देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के 20 बड़ी खबरों का। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। इससे पहले मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने विदेश में जाकर भारत पर जो लांछन लगाए हैं वो काफी निराशाजनक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा विदेश में भारत की बदनामी करना महंगा पड़ सकता है क्योंकि देश की जनता इसके लिए उनसे जवाब जरूर मांगेगी। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ब्रिटेन दौरे के बारे में ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि मैं ब्रिटेन में अगले कुछ दिनों के लिए हूं और मेरे पैक किए गए कार्यक्रम में आज सामरिक अध्ययन संस्थान, संसद और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स संस्थान में बातचीत शामिल है। इसके साथ ही लेबर पार्टी के शैडो कैबिनेट के सदस्यों और व्यापारिक नेताओं के साथ भी बैठक करूँगा। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आप सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने नहीं दी और ऐसा आजाद भारत में पहली बार हुआ है जब प्राइवेट स्कूलों के बढ़े हुए फीस को कम करवाई गई हो। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए ट्विटर पर एक ट्वीट की है जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है, इच्छित दुल्हन संपर्क करें। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने ट्विटर पर ट्वीट कर कहा है कि उपवास आंदोलन को रोकने के लिए मेरी जमानत रद्द करने के लिए गुजरात सरकार कोर्ट में जा रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, जेल में भी किसानों और आरक्षण के लिए अनिश्चितकालीन उपवास करेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर सहित 9 नए नेताओं को कांग्रेस समिति के सचिव पद के लिए नियुक्त किया है। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने मायावती की आलोचना करते हुए कहा कि बहन मायावती जी राज्यसभा में बीजेपी का मुकाबला करना चाहती हैं, आर्यभट्ट को जीरो के आविष्कार के लिए मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि मायावती को राज्यसभा में जीरो ही मिलने वाला है। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जो शिवराज सरकार पिछले 15 वर्षों में बहनों भांजियों को प्रदेश में सुरक्षित माहौल नहीं दे पाए, वे अब रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार पर किस मुंह से बहनों से सुरक्षा व खुशनुमा माहौल के लिए 5 वर्ष और मांग रहे हैं। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि हम समाजवादी लोग उन नकारात्मक लोगों को कभी सफल नहीं होने देंगे जो देश को तोड़ने के लिए नफरत फैला रहे हैं। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ग्रामीण विकास से जुड़े कामकाज में उल्लेखनीय प्रगति नहीं होने के कारण अपने 4 मंत्रियों को कड़ी फटकार लगाई है और इन मंत्रियों में शहरी विकास मंत्री फरहाद हाकिम, पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी, कृषि मंत्री प्रोफेसर आशीष बनर्जी और सिंचाई मंत्री प्रोफेसर सोमेन महापात्रा हैं। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की स्वच्छ सुशासन वाली छवि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भारत सरकार से उन्हें भारत रत्न देने की मांग करते हुए कहा कि दशरथ बाबा को भारत रत्न मिलना चाहिए, इससे भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा।
और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड कोर्ट ने 30 अगस्त को सरेंडर करने को कहा है। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव कई महीनों से इलाज के नाम पर जमानत पर बाहर थे। उनके बवासीर का ऑपरेशन हो चुका था, जिसके बाद वे अपने घर में आराम फरमा रहे थे। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, मध्य प्रदेश के नीमच निवासी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर ने स्टेट बैंक में आरटीआई लगाया था, जिसके बाद स्टेट बैंक ने जवाब में कहा है कि नोटबंदी के 21 महीने बाद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 18,135 एटीएम में नए नोट नहीं है। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने नारियल के तेल को जहर के समान बताते हुए कहा कि खान पान में इस तेल के इस्तेमाल से दिल की बीमारी होती है, और प्रोफेसर के इस दावे के बाद पूरी दुनिया में बहस शुरू हो गई है। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर उन लोगों के लिए अच्छी खबर जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पाद विभाग 2089 हेल्पर की भर्ती कर रहा है, और आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए, और योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट www.energy.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने टीम की तारीफ करते हुए कहा कि बैटिंग में इंग्लैंड कमजोर है, इसलिए टीम चाहे तो सीरीज जीत सकती है। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, बॉलीवुड अभिनेत्री मोनिका गिल ने कहा है कि ये उनके लिए किस्मत की बात है कि उन्हें जेपी दत्ता जैसे इतने बड़े फिल्मकार के साथ काम करने का मौका मिला है। आपको बता दूं कि मोनिका गिल जेपी दत्ता की फिल्म में नजर आने वाली है। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, खबर है कि यशपाल बैनर तले बनने वाली फिल्म धूम 4 से सलमान खान और शाहरुख खान की छुट्टी हो गई है, और उनकी जगह रणवीर सिंह इस फिल्म में लीड रोल करते दिखेंगे। यह फिल्म 2019 के अंत में रिलीज हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जर्मनी और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को संबोधित करते हुए भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा और कहा कि देश में नौकरियां नहीं है, किसान परेशान है, लेकिन भारत की मौजूदा सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी में हो रही राजनीति खींचतान का फायदा उठाने के लिए भाजपा ने सर्वधर्म संभाव के आधार पर कार्य शुरू कर दिया है। इस संबंध में बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व का मानना है कि इसके जरिए पार्टी विभिन्न तबके के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो रही है और इसका लाभ आगामी चुनावों में देखने को भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों की पदोन्नति में आरक्षण देने के तर्क पर सवाल उठाया है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सवाल किया कि मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति आरक्षण की मदद से किसी राज्य का मुख्य सचिव बन जाता है, तो क्या उसके परिवार के सदस्यों को पदोन्नति के आरक्षण के लिए पिछड़ा मानना तर्कपूर्ण होगा? क्या ऐसा कहना वास्तविक जरूरतमंदों के साथ अन्याय नहीं होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एक दिन व्यस्त दौरे के बीच भी समय निकालकर अपने छोटे भाई पंकज मोदी के रायसन स्थित आवास पहुंचे और अपनी मां से मुलाकात की तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। और मिडडे की अगली ताज़ा खबर राहुल गांधी के बयान को लेकर है, जहां रिलायंस कंपनी के मालिक अनिल अंबानी द्वारा कांग्रेस प्रवक्ताओं पर मुकदमे की धमकी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों को कहा कि उनके ऊपर जो भी मुकदमे होंगे उनसे पार्टी का लीगल सेल लड़ेगा और वो उसके लिए चिंता न करें। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके चीनी समक्ष वेई फंगह के बीच करीब 2 घंटे चली बैठक हुई, जिसमें भारत और चीन ने रक्षा सहयोग में नए द्विपक्षीय समझौते पर काम करने की सहमति जताई है, ताकि डोकलाम की तरह के गतिरोध से बचा जा सके। जेएनयू प्रशासन ने कुलपति द्वारा लागू की गई नीतियों के खिलाफ 31 जुलाई को एक दिन की हड़ताल में कथित तौर रूप से शामिल होने पर आज 48 प्रोफेसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मेघालय के 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में करीब 77% मतदान हुए, इस दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 2016 के प्रचार अभियान के दौरान 2 महिलाओं को मुंह बंद रखने के लिए धन देने के मामले में माइकल कोहन की स्वीकारोक्ति के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी और उनके पूर्व अधिवक्ता कहानियां बना रहे हैं। दक्षिण कोरियाई की एक अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे को 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, जिस वजह से उन्हें 2017 में सत्ता गंवानी पड़ी थी।
और ये थी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे